बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के बारे में बात करेंगे। सही, थर्मोरेगुलेशन जिसे थर्मोरेगुलेशन किसे कहा था हमने? इट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो आज हम इसके देखेंगे रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर की मैमल्स में है, जिसके एग्जाम्पल उसे ह्यूमंस भी है कि ह्यूमंस में किस तरह होता है। सही, इसे पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, मसलन दैट इज रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। सही, यानी रेगुलेशन ऑफ हीट को आप क्या नाम दे सकते हो? दैट इज हीट एक्सचेंज, इट इज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। सो आज हम पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान किस तरह होती है। ठीक है, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के दरमियान। सो इनकी जो रेगुलेशन के कह लेंगे अडाप्टेशंस पढ़ेंगे कि किस तरह एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। सो इसके अंदर हमें तीन किस्म के अडाप्टेशंस मिलेंगी। सबसे पहले जो सी है, दैट इज स्ट्रक्चर अडाप्टेशन। ठीक है, यानी इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अडाप्टेशंस। ठीक है, यानी हर इंडिविजुअल जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है वो थर्मोरेगुलेशन के कोई ना कोई अडाप्टेशन के जरिए सर्वाइव करता है। अडाप्टेशन से क्या मराता है? एक जाहिर बात है कि जो हार्श टेम्परेचर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से जो कह लें कि एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर तब्दीलियां लाते हैं उसे हम अडाप्टेशन कहते हैं। सही, तो इसकी सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। स्ट्रक्चर से क्या मराद है? कि उनके एनाटॉमी के अंदर ऐसा फर्क आया है। सो स्ट्रक्चर में एनाटॉमी आती है। मसलन अगर हम देखें एक साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्लैज। ठीक है, आपने बहुत से जानवरों के ऊपर खाल के ऊपर बाल देखे होंगे। सही, ह्यूमंस के तो ऊपर नहीं होते इतने, लेकिन जो भी कह लें कि ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या जो शिकारी एनिमल्स, मोस्टली उनके ऊपर आपको इस तरह के बाल नजर आएंगे। सही, सो यह इसका स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन किस चीज के लिए? कि ये प्रोटेक्ट करती है हार्श टेम्परेचर से। ठीक है, यानी प्ले जोन से ये एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है, इसे आपको कह सकते हो इंसुलेटर। ठीक है, यानी ये इसके अंदर हीट के ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करेगी, ये स्ट्रक्चर अडाप्टेशन। इसके अलावा पिलेज के अलावा आपके पास मसल यहाँ पे नजर आ, डेट इज स्वेटिंग। ठीक है, यानी जो स्वेट ग्लैंड होते हैं। सही, यानी ये फर्स्ट वन हो जाएगा पिलेज, सेकेंड वन क्या हो जाएगा? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड किसे कहते हैं भला? पसीने के जो ग्लैंड होते हैं। सो ये भी स्ट्रक्चरली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि थर्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करेंगे। मतलब ज्यादा गर्मी हो तो पसीना आएगा, जिस वजह से आपको ठंडक का महसूस होगा। जब पसीने से पानी वेपरेट होगा तो आपको ठंडक फील होगी। ठीक है, सो एक हो गया पिलेज, यानी जो बॉडी के ऊपर बाल वगैरह होते हैं, डेंस लेयर होती है इनकी, काफी मोटी तय होती है। और दूसरा स्वेट ग्लैंड हो गए, थर्ड वन लंग्स हैं। सही, कि जिसके जरिए आप सांस लेते हो, आप सांस के जरिए क्या करते हो? एवेपरेशन हो रही होती है, यानी बेसिकली अंदर लंग्स के अंदर एवेपरेशन होती है। एवेपरेशन की वजह से कूलिंग होती है। सही, अब एवेपरेशन आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ वाटर, के वाटर एवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या फील होगा? कूलिंग जनरेट होगी। ठीक है, सो ये भी इस कूलिंग को बाद पेंटिंग का नाम भी देते हैं, कि हाई टेम्परेचर, सॉरी जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मसलन जब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो आप जोर जोर से सांस लेते हो, इसे आप हांपना भी कहते हो। ठीक है, सो हांपने से भी आप कह लें कि लंग्स जो से हैं वो मानी उसके अंदर थर्मोरेगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। सो ये होगी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन होती है। सेकेंड वन आर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में एक तो आपको सामने नजर आ रही है कि लाइक यहाँ पे नीचे डायग्राम में वैजो डायलेशन आ रही है। सही, सो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन है, ये वैजो डायलेशन है कि गर्मियों के मौसम के अंदर, व्हेन देयर इज कह लें कि जी कूल, जब कूल होगा आउटसाइड सो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और जब बाहर हॉट होगा एनवायरमेंट, ठीक है, कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वैजो डायलेशन होगी। वैजो डायलेशन से क्या होता है कि एपिडर्मिस से हीट लॉस हो रही होती है, कि इसका एक सरफेस एरिया किस्म का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा हीट जो है वो लॉस होती है, कह लेंगे बाय कंडक्ट आउट होती है। ठीक है, इसके अलावा यानी इसे आपको कहोगे वैजो डायलेशन, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, मैं तो लिखा हुआ है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसे हम
फ्लफिंग कहते हैं, फ्लफिंग ऑफ एनिमल्स। कि आपने वैसे भी देखा होगा जो कह रहे हैं कि परिंदे होते हैं खास तौर पर, वो कभी कभी अपने जो फर होते हैं, अपने जो पर होते हैं, इन्हें फैलाते हैं बहुत ज्यादा ताकि उसमें से हीट डेसिपेट हो सके। ठीक है, इसे प्लमेज फ्लफिंग कहते हैं, प्लमेज फ्लफिंग। ठीक है, इसके जरिए भी हीट लॉस होती है। तो इसके अंदर क्या यूज हो रहे होते हैं बेसिकली, मसल कि जो स्किन के अंदर मसल्स होते हैं वो फर्स की इस तरह की कहने के कंडीशन बना, जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा इसके अंदर हीट लॉस हो सके, से ज्यादा ज्यादा हीट लॉस को ये प्रमोट करते हैं। सो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हैं। इसके अलावा शिवरिंग भी आपने नाम सुना होगा, कपकपाना। ठीक है, शिवरिंग भी एक जो ज्यादा ठंड होती है उस टाइम हम शिवरिंग करने लिए भी एक किस्म की फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। थर्ड वन आप क्या यूज करेंगे, शिवरिंग। शिवरिंग को उर्दू में क्या कहेंगे भला, कप कपाना। शिवरिंग कपाना, ठीक है, यानी आप सर्दियों में मोस्टली शिवरिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल अडाप्टेशन भी होते हैं, मसलन आपको यहाँ पे एक लीजर्ड बैठी हुई नजर आ रही है, सही, कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लीजर्ड क्या करती है, सन बाथ लेती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सन बाथ। सो ये जो फोर्थ थर्ड वन अडाप्टेशन होगी, इससे हम बिहेवियरल अडाप्टेशन कहेंगे। ठीक है, वैसे भी ज्यादा गर्मी हो तो आप साए में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, अगर सर्दी हो तो आप धूप में खड़ा रहना पसंद करते हैं। तो ये सारा बिहेवियरल अडाप्टेशन है, सही, के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये कह लें कि जो कंडीशंस होती है उसके मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। सही, मसलन अगर बाहर ठंड है, सही, इफ इट फील्स कूल आउटसाइड, बाहर कूल फील करती है, सो ये सन बाथ को प्रमोट करेगी लीजर जोन सी है। और जब इसे ज्यादा गर्मी लगती है तो ये साए में चले जाती है, सही। इसके अलावा बॉडी पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पोस्चर्स हम चेंज करते रहते हैं, या हमारे बॉडी पोस्चर्स बात कर इस तरह होते हैं कि हम हीट डेसिपेट कर रहे होते हैं या फिर हीट कंजर्व करते हैं। सो ये भी कह लेंगे बिहेवियरल अडाप्टेशन हो जाएंगे। सो ये कुछ अडाप्टेशन जिसके जरिए हीट कह लेंगे रेगुलेट होती है एनवायरमेंट और एनिमल्स के दरमियान, सही, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन होगी, जिसमें हमने पिलेट, स्वेट ग्लैंड और लंग्स का थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ा। फिर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन जिसमें वैसोडाइलेशन था, प्लमेज फ्लफिंग जो कि बर्ड्स में होती है, और शिवरिंग कपकपाना, ये भी ऑलमोस्ट एनिमल्स की प्रॉपर्टीज में आता है। और बिहेवियरल अडाप्टेशन है बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है, ऐसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बिहेवियरल अडाप्टेशन। तो उसमें ये था कि मसलन सन बाथिंग होती है लाइक सर्दी के दिनों में, और इसके अलावा बॉडी पोस्चर चेंज होते रहते हैं, बिहेवियर अडाप्टेशन होती है। सो अब हम अपने जो टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक, उसकी तरफ चलेंगे। वो हमारा टॉपिक क्या है बोला, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, सही, थर्मो, सॉरी टी एच आएगा। सो थर्मो रेगुलेशन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है बोला, थर्मो रेगुलेशन दैट इज रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के बारे में बात करेंगे। मैमल्स की बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन सी है, ह्यूमंस आ जाते हैं। सो ये भी जहन में रख सकते हैं, मतलब ह्यूमंस बींग के ऊपर ये चीज़ सारी अप्लाई होगी। यार एक तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ। सो मैमल्स स्टैंड फॉर ह्यूमंस आल्सो, ठीक है, मैमल्स की फैमिली में ह्यूमंस भी आती है। सो मैमल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो उसके अंदर आपको पता है द वर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा फोर लिम्स होती हैं मोस्टली, और बॉडी कवर्ड विद समटाइम्स पिलेज होती है या फिर फैटी लेयर्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर। सो ये कुछ फीचर्स जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज देखते हैं, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज। आप कहेंगे रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या है, कि मुख्तलिफ टेम्परेचर के अंदर बॉडी क्या क्या कह सकते हैं कि फिनोमिनाज करती है जिसके जरिए से इसका टेम्परेचर बैलेंस। तो मसलन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, लाइक वैन वी फील कूल आउटसाइड, ठीक है, जब कूल हो सो वी स्टार्ट शिवरिंग। ठीक है, कूलिंग से क्या स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग, और इस शिवरिंग से अगेन टेम्परेचर जनरेट होता है, सही। सो इस सारे प्रोसेस जिसके जरिए शिवरिंग से टेम्परेचर जनरेट हो, इसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब एक किस्म की रेगुलेटरी स्ट्रेटजी है बॉडी के, बाहर कूल होगा सो बॉडी शिवरिंग स्टार्ट करेगी और उसके जरिए कह लेंगे जी हीट जनरेट होगी, सही। इसके अलावा कुछ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होते हैं, मतलब ये वन हो जाएगा। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से मुराद क्या है, मेटाबॉलिक,
ठीक है, कि वो हीट जो मेटाबॉलिकली हीट डेवलप होगी, मेटाबॉलिक हीट जनरेशन, सो इसे हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में कह देंगे, सही, इट विल बी नॉन शिवरिंग। सो ये दो किस्म की कह लें कि स्ट्रेटजीज है जो कि बॉडी यूज कर सकती है, और मोस्टली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितने में रहेगा, हमेशा 36 से 38 के दरमियान, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर रेंज है। सो 36 से नीचे नहीं जा सकता और 38 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके अगर ऐसा होता है सो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो फंक्शन अपना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब बाज प्रोटीन थर्मोसेंसिटिव होती हैं बहुत ज़्यादा, बाज कहने के बर्दाश्त भी करते हैं, मसलन जो हमारे लिम्ब्स का टेम्परेचर होता है ना, यानी हाथ और पाँव का, सो ये लो होता है, सही। लेकिन जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लाइक हार्ट हो गया, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सही, क्योंकि उसके बगैर ये अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए तो इनके फंक्शनिंग पे कहने के असर पड़ता है। सो क्योंकि इन्हें अपना टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है, लाइक 36 से 38 के दरमियान रखना पड़ता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्म। सो दीज आर एंडोथर्म्स, ठीक है, जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन की थी। सो मैमल्स या ह्यूमंस आर एंडोथर्म, दे हैव टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर। अब हम देखते हैं यानी रेगुलेट करते किस तरह हैं। सो एंडोथर्म्स एंड दे हैव टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है आपके सामने, सो इसमें आप देख सकते हैं दोनों कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर वन जब टेम्परेचर लो है एंड कंडीशन नंबर टू जब टेम्परेचर हाई है। सो स्टार्ट करते हैं कंडीशन नंबर वन से, जब टेम्परेचर लो होता है। सो ये क्या करेगा, ओह सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर गया, कि बेसिकली कंडीशंस ये नहीं है, कंडीशंस यहाँ पे हैं, सही, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। सो अगर मसलन ये 36 से 38 तक टेम्परेचर है, सही, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर जो है वो 40 हो जाता है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, सही, उस टाइम क्या होगा, इफ टेम्परेचर गोज टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल सेंड मैसेज टूवर्ड्स ब्रेन, ठीक है, ये अपने ब्रेन की तरफ मैसेज सेंड करेगा, ब्रेन फिर यानी ब्रेन जिसे आप थर्मोस्टैट भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस होता है इसके अंदर ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर थर्मोस्टैट बिल्ट इन होता है। थर्मोस्टैट के मतलब है कि जो मेन और कह लें कि सेंटर है, हमने कहा था ना कि होमोस्टेसिस की तीन चीजें होती हैं, एक रिसेप्टर्स होते हैं, फिर बीच में कंट्रोल सेंटर होता है, और इसके अलावा ये अफेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी रिसेप्टर से मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ, ब्रेन इसे सेंस करके अफेक्टर्स की तरफ मैसेज सेंड करता है। अफेक्टर्स में हमारे पास लाइक स्किन ब्लड वेसल्स हैं, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हैं। सो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाएंगे और वैसो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, दूसरा क्या काम होगा, वैसो डायलेशन, दोनों की वजह से क्या होगा कि एवेपरेशन होगी, एवेपरेशन से कूलिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाएगा, सही। सेकंड केस पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो 36 से बिलो चला जाता है, मसलन अगर हम कहें जी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है, सही, 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्या होगा कि अगेन मैसेज आएगा ब्रेन को, ब्रेन इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, लाइक एक तो वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देगी कि वाटर लॉस को, या कह लेंगे जो हीट डेसिपेशन हो रही थी, हीट लॉस हो रहा था, उसे रोका जाए, और साथ साथ मसल्स को एक्टिवेट करेगी, वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करे या मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस करे, डिपेंड करता है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर वैसे मेटाबॉलिकली भी हीट जनरेट हो सकती है, इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, सही। तो ये सारा बीच में जो मैकेनिज्म चल रहा है इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है, किस तरह भला, मसलन सबसे पहले कह लेंगे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, अब सेंसरी ऑर्गन्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मसलन यहाँ पे मैं एक पर्सन बनाता हूँ, लाइक सो लाइक दिस इज द गाय, कंप्लीट करता हूँ, ये इसकी आंखें हैं और गर्दन ज्यादा छोटी बना दी, ढाई नहीं ना, चलो सर ये एक कह लें कि जी आदमी है, सही। सो इसको बाहर से फील होगा, इट विल फील कूल, ठीक है, फिर यहाँ से मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, सही, ब्रेन जो कि इसका कंट्रोल सिस्टम है, फिर ब्रेन मैसेज सेंड करेगा अगेन अफेक्टर्स की तरफ, तो इस तरह ये थर्मोजेनेसिस वगैरह होता है। सो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, फीलिंग कहाँ पे होती है, बेसिकली स्किन पे, स्किन मैसेज किसे भेजेगी, ब्रेन को, ब्रेन से मैसेज किधर आएगा,
मसल्स में, मसल्स में आएगा या फिर ब्लड वेसल्स में आएगा, ठीक है, कि मसल्स शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे और ब्लड वेसल्स सुकड़ जाती हैं, ठीक है, कि सर्दियों के अंदर या जब ठंड होती है बाहर तो दे कॉन्स्ट्रिक्ट। इस तरह अगर बाहर गर्मी है तो हमारी स्किन फील करेगी, ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी, ब्रेन फिर आगे वैसो डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल्स यहाँ पे कह लें कि बाहर फैल जाएंगे, ठीक है, वैसो डायलेशन, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हीट डेसीपेट हो, और साथ साथ कह लेंगे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके जरिए से बॉडी टेम्परेचर एवेपोरेशन के जरिए दोबारा डिक्रीज हो जाएगा, सही। सो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि एक दूसरे को फीडबैक मिलती है, मसल स्किन से ब्रेन को फीडबैक जा रही है, फिर ब्रेन अपनी फीडबैक मसल्स को भेज रहा है, और एक दफा जब कह लें कि अच्छा इसमें एक, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मसल ये जो फीडबैक है ये से ब्रेन की तरफ गई, ब्रेन से आगे, सही, ये कहलाती है पॉजिटिव फीडबैक। सो एक कोई ना कोई प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक की दो टाइप्स होती है ना, कि कोई आपको ऐसी फीडबैक देता है जिसके जरिए से आप आगे बढ़ते हो, मतलब कोई आपको शाबाश देता है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, सही। सो आप उसी काम को जारी रखते हो या अगली दफा भी उसके बारे में कोशिश करते हो। सो बाद दफा क्या होता है कि कोई उस काम को रोक देता है, मतलब ये जब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा ना, सो ये फिर नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई जो हम काम कर रहे थे वो मुकम्मल हो गया, सब इस काम को बंद होना चाहिए। सो ये नेगेटिव फीडबैक। सो यानी फीडबैक के भी दो प्रोसेस हो जाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक जो किसी प्रोसेस को प्रमोट करेगा, और नेगेटिव फीडबैक जो किसी प्रोसेस को रोकेगा। यानी जब इम्बैलेंस था टेम्परेचर, सो पॉजिटिव फीडबैक गया ब्रेन को, ब्रेन ने फिर आगे मैसेज अफेक्टर्स तक डिलीवर किया, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया, रिस्पॉन्स के रिजल्ट में जब टेम्परेचर बैलेंस हो गया, सो इसे हम कह लेंगे अब फीडबैक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सही। पहले पॉजिटिव फीडबैक था, फिर ये नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि ये जो सा है ये पॉजिटिव फीडबैक होगा सारा, लाइक ये मैसेज आएगा ब्रेन को, ब्रेन से ब्लड वेसल्स पे, और फिर जब एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा अगेन, ये जो सा है ये नेगेटिव फीडबैक होगा, सही। सो यानी ये फीडबैक प्रोसेस होता है जो बेसिकली पीछे रन कर रहा होता है, और इस तरह वो सेंसर्स को, कंट्रोल सिस्टम को और अफेक्टर्स को कह लेंगे कोऑर्डिनेट करवाता है फीडबैक मैकेनिज्म के। ओके, इस फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज ब्रेन, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, सही, इसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। सो कंट्रोल सेंटर का ही लिंक होता है फीडबैक से, ठीक है, कि इससे क्या लेंगे फीडबैक मिलती है, पीछे फीडबैक देंगे, शुरू में इसकी फीडबैक आएगी कहाँ से, भला कौन देगा इन्हें फीडबैक, सेंसर्स होंगे, ठीक है, सेंसर्स फीडबैक कंट्रोल सेंटर को देंगे, फिर कंट्रोल सेंटर अपनी फीडबैक आगे डिलीवर करेगा अफेक्टर्स को, ठीक है, और अफेक्टर्स अपना काम कर लेंगे। सो यानी ये भी फीडबैक है, और ये यानी कह लेंगे फीडबैक अफेक्टर्स को आ गई, फिर जब ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव थी दोनों, पॉजिटिव फीडबैक, ये जो सी होगी ये नेगेटिव फीडबैक होगी, ये होगी भी ये भी फीडबैक होगी लेकिन ये नेगेटिव होगी, यानी वो कंट्रोल सेंटर को कहेगा भाई काम मुकम्मल हो गया है, टेम्परेचर बैलेंस हो गया है, सो कंट्रोल सेंटर फिर इस सारे प्रोसेस को शट कर देगा, सही। सो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन है, हाइपोथैलेमस, जो कि आपके कहने के जी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद होता है, इसे हम थर्मोस्टैट भी कहते हैं, ठीक है, फीलिंग सेंटर भी, काफी इसके फंक्शन है, एक फंक्शन इसका थर्मोस्टैट भी है, थर्मोस्टैट कहते हैं उस मशीन को जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। सो हमारी बॉडी के अंदर जो मशीन है वो हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे कहने के बॉडी के अंदर मौजूद है, सही। सो इस तरह कहने के ये टॉपिक कवर हो गया कि किस तरह थर्मोरेगुलेशन होती है, सही, जिसके अंदर हमारे स्किन से जो कि सेंसर्स हैं, फिर कंट्रोल सेंटर, फिर आगे ब्लड वेसल्स उनका रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, और मसल्स वगैरह, ठीक। अब लास्ट में एक टॉपिक आता है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया के बारे में आप नहीं जानते होंगे, पायरेक्सिया कहते हैं फीवर को, ठीक है, फीवर जिसे आप उर्दू में बुखार कहते हैं, ठीक। सो कभी आपका गला खराब हो या कोई बीमारी हो तो आपको फीवर फील होता है, सही, जिसके जिसे आप बुखार कहते हैं, अक्सर बीमारी में बुखार हो जाता है। सो ये बुखार होता है क्यों है,
सबसे पहले तो बीमारी होती है, ठीक है, लाइक डिजीज है। डिजीज कब होती है? कोई जरासीम, ठीक है, लाइक मैं कहता हूँ पैथोजिन। जरासीम को क्या कहते हैं? पैथोजिन आपकी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, बॉडी से मराद नहीं, वो फॉर एग्जाम्पल ब्लड में आ जाता है, ठीक है, वो पैथोजिन यानी कोई जरासीम, जरासीम बॉडी में एंटर होगा और बॉडी में ब्लड में आएगा, ब्लड में आके हमारी जो जिस्म है उसके अगेंस्ट कुछ पायरोजेंस रिलीज करता है, ठीक है, हमारे कहने के बॉडी उसके रिस्पॉन्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसे हम पायरोजेंस कहते हैं, ठीक है, और ये पायरोजेंस क्या करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सही, कि बॉडी टेम्परेचर इसकी लाइक ये है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है। सो इसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, लाइक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट जस्ट राइज अप, ठीक है, कि टेम्परेचर जो सा है वो बढ़ जाता है। सो यानी क्या हुआ कि पैथोजन को जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हुए, फिर उसके अगेंस्ट बॉडी ने पायरोजेंस रिलीज किए और पायरोजेंस ने फिर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, और इस कंडीशन को हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं, ठीक है। और ये जो मोस्टली ब्लड के अंदर लीकोसाइट्स होते हैं ना, आपने सुना होगा लीकोसाइट, जैसे WBCs भी कहते हैं, लीकोसाइट्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स, मोस्टली ये पायरोजेंस रिलीज करते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अब कहेंगे जी बॉडी टेम्परेचर किस बनता है, बढ़ता है, जाहिर बात है पायरोजेंस जो है वो मैसेज सेंड करता है थर्मोस्टैट यानी हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस जो सा वो भी फिर थर्मोस्टैट कह लेंगे, इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अपर लेवल पे चली जाती है, यानी वो 38 से अबव 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और ये पायरोजन या ये फीवर जो सा होता है बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होता, यानी ये जो टेम्परेचर है इट इज यूजफुल फॉर बॉडी, ठीक है, कि आपको जो बुखार होता है वो जाहिर बात है इस वजह से होता है कि आपकी जिस्म उस बीमारी के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, कि एक किस्म की जंग किसी कैफियत है आपके जिस्म की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर फीवर या पायरेक्सिया के बारे में। सो अब हम रिवाइज करते हैं, शुरू से हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, हमने स्टार्ट की थी इसके इंट्रोडक्शन से, हमने कहा जी थर्मोरेगुलेशन मैमल्स पढ़ेंगे जिसमें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और मैमल्स के एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस को कवर करेंगे। सो इससे पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, दैट इज रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, लंबा सा नाम है हालांकि छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें हमने कहा जी बेसिकली हमने अडाप्टेशंस पढ़नी है वो जो कि थर्मो रेगुलेशन के लिए ही बनी है, मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर अडाप्टेशंस देखी हमने, फॉर एग्जाम्पल पिलेज था कि जानवरों के जिसम पे बाल की तह होती है मोटी सी, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड हमारे जिसमें पसीनों के ग्लैंड होते हैं, लंग्स थोड़े बहुत मॉडिफाइड है हमारे कि वो एवेपरेशन के जरिए कूलिंग क्रिएट कर सकते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन थी जिसके अंदर बॉडी फंक्शन के हिसाब से अडाप्टेशन होती है, मसल वैसो डायलेशन है कि हमारी ब्लड वैसल जो से ये डायलेट कर जाती हैं जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो, और फिर बर्ड्स के अंदर एक फ्लफिंग का अमल होता है, फ्लफिंग से मुराद क्या है कि वो अपने फीडर्स को एकदम फैला लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा इसमें से एयर क्रॉस करे और वेपरेशन हो और फिर उसमें हीट डेसिपेट हो सके, हीट लॉस हो सके। और फिर शिवरिंग है कि कप कपाना, कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बाहर लो हो जाए तो शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्ट के अंदर बिहेवियर अडाप्टेशन है, बिहेवियर अडाप्टेशन में क्या होता है कि जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में होता है, मसलन अगर सर्दियों की बात है तो जो लीजर्स होती हैं, ठीक है, ये लीजर्ड की एग्जाम्पल चिपकली भी कहते हैं, सो लीजर्स सर्दियों के अंदर सन बाथ लेती हैं, ठीक है, कूलिंग जब बहुत ज़्यादा ठंड हो बाहर, और इसके अलावा बॉडी पोस्चर्स होते हैं, मसलन हम मुख्तलिफ ज्यादा गर्मी हो तो हम सर पे हाथ रख लेते हैं, कुछ चीज रख लेते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके, तो ये बॉडी पोस्चर्स कहलाते हैं। फिर थर्मोरेगुलेशन मैमल्स की बात की, ठीक है, जिसमें ह्यूमन की एग्जांपल दी, तो इसमें रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज थोड़ी स्टडी की, मसलन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकती है, और बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज है 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अगर कूलिंग होगी तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा मेटाबॉलिक हीट भी जनरेट होती है। सो क्योंकि हम इंडोथर्म्स हैं तो हमें टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए सारा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमारा जो थर्मोस्टैट है दैट इज हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ब्रेन के अंदर मौजूद होगा जो कि सारा फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इसमें फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह स्किन डिटेक्ट करते हैं अपना फीडबैक, ब्रेन की तरफ भेजेगा, ब्रेन अपना फीडबैक आगे मसल्स को भेजेगा, मसल्स बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, और स्वेट ग्लैंड भी हो सकता है गर्मियों में, जब गर्मी फील होगी तो स्वेट ग्लैंड और वैजो डायलेशन होगी, और जब सर्दी फील होगी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एंड यानी कैपिलरी सिकुड़ जाएंगी, और फिर
या फिर एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप कप कपाने लगते हैं, जिस तरह दांत बजते हैं, आपने सुना का नाम सही है। सो ये फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। और फिर लास्ट में उन्हें पैरेक्सिया पढ़ा कि जब कोई पैथोजन यानी कोई जरासीम जिसम में दाखिल होता है, सो ब्लड में, तो लीकोसाइट जो WBCs होते हैं ये इसके अगेंस्ट पायरोजेंस बनाते हैं। पायरोजेंस फिर हाइपोथैलेमस को थोड़ा हाई रेंज में सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये बॉडी टेम्परेचर नुकसानदेह नहीं होता बल्कि जिसम के लिए फायदेमंद होता है। सही। सो यहाँ तक आज हमने पढ़ना था, और इस तरह ये चैप्टर भी कवर हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।